हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है जितने भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इससे हमारा पूरा केमिस्ट्री का हर टॉपिक क्या होता है, रिलेट होता है। ठीक है, और अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके आपके टॉपिक का हर एक टॉपिक, चाहे ऑर्गेनिक की बात करें चाहे इनऑर्गेनिक की बात करें, हर टॉपिक इससे क्या होता है, रिलेट होता है। इसलिए यह टॉपिक आपको जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। अगर बोला जाए तो ये क्या है, केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसको जनरल GOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग सुने होंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये टॉपिक होता है आपका क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है और जहाँ तक भी हम केमिस्ट्री पढ़े वो हर बार किसी ना किसी रूप में इसका इफेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, हर चीज़ एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते रहते हैं। इसलिए ये इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, अगर इंडक्टिव स्टार्ट कहाँ होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने तरह से होता है, दो टाइप से होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टेम्पोरेरी होते हैं, ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो हम जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसी तरह टेम्पोररी में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक तरह का क्या है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वास्तव में है क्या। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या करें, एक तरह का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम लोग देखे ये क्या है, एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी कार्बन चेन में क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अगर हम किसी कार्बन चेन की बात करें, ठीक है, अगर इस कार्बन चेन में अगर कुछ एक अलग सा एक ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, जिसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, डिफरेंट हो गया, इन सभी कार्बन से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, डिफरेंट हो गया, तो इस कार्बन चेन में अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो तीन चीज याद रखने वाले, दिमाग में रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, इट इज नॉट परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब इट इज नॉट परमानेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड अदर ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन और दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा। ठीक है, आप देखो जैसे ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर अगर डिफरेंट हो, मान लिया जाए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगा, इस कार्बन से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा तो इसमें पार्शियली क्या है, नेगेटिव चार्ज, अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह इसमें भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया।
ठीक है। तो ये एक तरह का कार्बन चेन में या पोलराइजेशन और सिग्मा बोन किसी भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहे हैं, उसी क्या बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और एक चीज, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये क्या होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव क्या है उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो इसमें दो तीन चीज बोला मैं, पहला तो डिस्टेंस के ऊपर बात किया, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बोन, ठीक है, पाई बोन में नहीं होता पोलर, आयन क्या होता है डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, इन बिटवीन कार्बन आयन क्या होगा ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप के बीच में, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसफर परमानेंट, ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, जिसका जैसे ये ग्रुप कोई ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इन सभी कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, तो इसमें पार्शली क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर ऐसे कोई और ऐसे कार्बन चेन जुड़ा है, इसमें कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है, मान लो कोई वाई जुड़ा है, ठीक है, अब वो वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, ठीक है, इसकी जो विद्युत ऋणता है इससे इस कार्बन से क्या है कम है, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा इधर जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या है कम है, इसमें ज्यादा था तो ये खींच रहा था ये ग्रुप, लेकिन इसमें कम है तो ये खींचेगा, तो इसमें पार्शियली क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसी तरह ये ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है, पहले कार्बन सबसे ज्यादा, दूसरे कार्बन में ऐसे क्या है कम होते जाता है, और जनरली थर्ड नंबर कार्बन पे धीरे धीरे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो आप देखो कोई ग्रुप क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट के बेसिस पे, कोई ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है टू टाइप के होते हैं, किसी क्या बोलते हैं प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट, इसका क्या बोलते हैं माइनस साइन इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस साइन इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब क्या है कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उसका एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं कि जनरली कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन रिलीजिंग ग्रुप में आता है और कौन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, तो ठीक है इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं प्लस आई वाले ग्रुप में OF2 प्लस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होगा OR2 प्लस का, उसके बाद ये पूरा डाटा है तो इसको आपको याद करना है इसलिए मैं देख के ही लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद NO2 मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, ये किसका लिखवा दे रहा हूँ मैं माइनस आई का, इधर हम प्लस आई कर देते हैं, तो इधर अभी आप सुधार लो, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
विड्रॉइंग ग्रुप और क्या है रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, बहुत सारे ग्रुप है। उसके बाद जितने भी हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन। इसी तरह प्लस साइड वाले ग्रुप का कुछ एग्जांपल, जैसे CH2- NH- ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है जो प्लस है इंडक्टिव में कार्बोक्सिलेन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, C3 अगर ट्राइटियम आएगा, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। 3 डिग्री मतलब समझ रहे हो ना, तीन आर ग्रुप होगा ये, ठीक है। 2 मतलब क्या होगा, 2 आर ग्रुप होगा ये, उसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप का और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप का। तो ये एग्जांपल है, आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप हम इसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका इफेक्ट, कि जो एक इंडक्टिव इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 4 है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। और इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके सिलेबस में, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहा, सभी क्लास में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे ये स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर देता है, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट को भी डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ को भी डिटरमाइन कर सकता है, ये बेसिसिटी को डिटरमाइन कर, एसिडिटी को भी डिटरमाइन कर। तो आज हम लोग इसका एक जो इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा जहाँ इफेक्ट पड़ता है, जिसके बेसिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उस पे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, एसिडिटी, ठीक, एसिडिटी। अरे तो फिक्स है, एसिडिटी से तो 100% क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो एसिडिटी के लिए क्या बोल सकते हैं, ये याद रखना, एसिडिटी क्या कहता है, अगर माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो एसिडिटी क्या कहता है, वो बढ़ाता है, ठीक है। उसी तरह अगर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ रहे तो वो एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। तो हमने क्या लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे एसिडिटी को बढ़ाता है और बेसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। जैसे सबसे ईजी एग्जाम्पल, जो सबसे इसका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कि जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मिक एसिड, ये क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या क्या ले हम लोग, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इन तीनों के एसिडिटी को क्या करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा, कि बताओ कि तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तीनों को एसिडिटी ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। तो अरेंज करते हैं हम लोग, CH3 COH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, CH2COH फॉर्मिक एसिड को दिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, कहाँ भी माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा है, ये क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन माइनस आई, और ये तो क्या है, प्लस आई, ये माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा है। तो हम तो ये देख के बता सकते हैं कि माइनस आई वाला ग्रुप की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है, ये प्लस आई वाला है, एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो बहुत रेयर केस में होता है ना, प्लस आई माइनस आई बहुत कम होता है इसका, माइनस आई फिर बहुत कम होता है। तो
तो इन दोनों के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप देखो ये तो देख के भी बता सकते हैं कि माइनस वाला है तो एसिडिटी ज़्यादा होगा। और कैसे समझ सकते हैं, देखो क्यों माइनस आई वाला ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। आप देखो ये माइनस आई इफेक्ट हमें क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का अपने खींचेगा, ठीक है, ये कार्बन से खींचा, अब कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये दूसरे कार्बन से खींचा, अब दूसरा कार्बन आप किससे खींचा, ये ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना था, ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना था, स्ट्रॉन्गली दोनों एक दूसरे से अटैच थे, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, ये कार्बन खींच ले रहा है, क्योंकि कार्बन इस क्लोरीन के थ्रू अब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर हो जा रहा है, तो OH के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले रहा है, इधर, ठीक है, तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बनने वाला बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इजीली क्या होगा, वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अगर हम बॉन्ड ब्रेक की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, पहले टूट जाएगा, ठीक है, तो और हम जानते हैं ब्रॉन्स्टेन लोरी चौकोलिन जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बेस, तो जो जितना जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकल जा रहा है, इसीलिए इसकी क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगा। इसमें देखो CH3 ग्रुप क्या होता है, प्लस आई फिर डालता था, इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा, ठीक है, इधर दिया, इस कार्बन से ज़्यादा हो गया तो ये इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो OH के बीच जो बॉन्ड बना था इसको तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो हाइड्रोजन के साथ बनने वाला बॉन्ड और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अब आसानी से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उनको निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या होगा, जुड़ गया, स्ट्रांगली अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा, ठीक है, डोनेट ही नहीं होगा, तो अब जो डोनेट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं क्लास में बार बार ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि देखो शुरू में ऑक्सीजन के मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा था, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा था, लेकिन अब इधर इलेक्ट्रॉन खींचने लगा क्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए, ठीक है, मान लो मतलब 4 आदमी हाइड्रोजन को पकड़ कर रखे थे, बॉन्ड बना कर रखे थे, अब 2 आदमी को इधर क्लोरीन बुला लिया, अब कितने आदमी बचे हैं, 2 ही आदमी हैं, तो 2 आदमी उतने अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे इस हाइड्रोजन को, तो थोड़ा क्या करेगा, वो बाहर निकल सकता है। लेकिन इसमें देखो अभी क्या बोले थे हम, 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना था, उल्टा CH3 इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 4 थे, अब कितने हो गए, मान लो और 2 इलेक्ट्रॉन ये CH3 दे देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो और ज़्यादा बॉन्ड क्या हो, 6 आदमी अब पकड़ के रखें हाइड्रोजन को, तो ये तो और ज़्यादा हाइड्रोजन भागना चाहेगा तो भाग नहीं सकता, क्योंकि पहले तो 4 थे, अब 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए, तो निकल ही नहीं पाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा, मतलब उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आना क्यों माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, और क्यों प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप एसिडिटी कम करता है, ठीक है, क्यों हम लोग हाइड्रोजन के रिमूवल पावर को देखें, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें क्यों इजीली निकल जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच ले रहा है, ठीक है, जिसमें बोला कि यहाँ 6 आदमी है इस हाइड्रोजन पकड़ के रखे हैं, 3 आदमी को कौन खींच लिया, क्लोरीन, कितने आदमी बचे, 2 इस आदमी को या हाइड्रोजन पकड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन चाहेगा तो 2 आदमी को छुड़ा के बाहर निकल सकता है, ठीक है, लेकिन मान लो जैसे ये 5 आदमी थे ऑक्सीजन के साथ जुड़े, हाइड्रोजन 5 आदमी हाइड्रोजन पकड़ करते हैं और 2 आदमी आ गए, अब 5 से कितने हो 7, तो ये हाइड्रोजन इस आदमी को या हाइड्रोजन को अब 7 आदमी ऐसे घेर के रखते हैं, तो ये हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा, मतलब इसकी एसिडिटी कम होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया कि क्यों माइनस आई इफेक्ट आने से एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये दूसरा, और ये क्या होगा, तीसरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ इसकी एसिडिटी को, जैसे मान लो जैसे एग्जाम में बहुत
बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्रोमो एसिटिक एसिड और आयोडो एसिटिक एसिड, इनको एसिडिक ऑर्डर पे अरेंज कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ऑर्डर? सेम होगा, फ्लोरो का एसिडिक नेचर क्या, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, सबसे ज्यादा CH2COH, ऐसी सबका ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो क्या होगा, जैसे फ्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे ज्यादा है, हम जानते हैं क्या है, 4.0, इसका 3.0, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे जल्दी खींचेगा, तो यहाँ से जो बॉन्ड होगा सबसे ज्यादा वीक पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा, ठीक है, ये खींचेगा, लेकिन फ्लोरीन कंपेयर में थोड़ा क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन फ्लोरीन तुरंत खींचेगा, इसीलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन वाले केस की क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर उतनी ही ज्यादा होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे जैसे आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इन तीनों में एसिडिटिक ऑर्डर कौन होगा, तो क्या होगा, ये देखो CH2COH, Cl, Cl, CHCOH, Cl, 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 COH, ठीक है, आप देखो इसमें खींचने वाले ग्रुप कितने आ गए, तीन 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 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है, तो OH बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा वीक पड़ेगा, क्योंकि तीन तीन क्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो खींची के ले जा रहे हैं, तो OH बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, तुरंत क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसकी एसिडिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ एक क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ दो क्लोरीन खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये फर्स्ट नंबर, ये दूसरा, और ये क्या होगा, तीसरा, ठीक है, तो ये देखो, ये इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, किसका क्या होगा, कम होगा। अब हम इसमें, ये तो सबको आता है, इसका एक ब्रॉड लेवल में या थोड़ा सा कंपटीशन में अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंसी ऑर्डर से, ठीक है, वो रूल क्या है, DNP, ठीक है, ये रूल को याद रखिएगा, DNP, डी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, एन मतलब होगा नंबर, और पी मतलब क्या होगा, पावर, ठीक है, डिस्टेंस, नंबर और पावर, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अलग अलग जुड़ा होगा, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन चेन के क्या है, सबसे पास जुड़ा है, ठीक है, अगर डिस्टेंस भी सेम होगा, जैसे मान लिया जाए ये हो गया, मान लिया जाए ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो देखें कौन, मान लो इसको हम ब्रोमीन मान ले, इसको क्लोरीन, तो सबसे पहले देखें कौन, देखो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, कौन डिस्टेंस सबसे पास जुड़ा है, ये सबसे पहले जुड़ा है इस कार्बन के, तो डिस्टेंस में कौन पहले हो गया, ये, तो इसकी एसिडिक ऑर्डर ज्यादा, अगर डिस्टेंस भी मान लो सेम हो गया, मान लो ये भी यहाँ सेम रहता है, ठीक है, दोनों ही अब इसी कार्बन पे जुड़े हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, नंबर, ठीक, कहाँ नंबर ज्यादा जुड़े हैं, मान लो यहाँ दो जुड़े हैं, यहाँ एक खींचने वाले ग्रुप है, कितने खींचने वाले ग्रुप है, दो, तो किसकी एसिडिटी ज्यादा, ऑर्डर ज्यादा हो गई इसकी, ठीक है, अब मान लिया जाए नंबर भी सेम रहता, ठीक है, नंबर भी सेम रहता, यहाँ भी दो खींचने वाले ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ भी दो खींच, तो लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, पावर, ठीक है, किसका पावर ज्यादा है, तो देखो यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन खींच रहे हैं, ब्रोमीन आयोडीन, तो इन दोनों की,
इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होता है, ज्यादा होगी। ब्रोमीन तो सेम है लेकिन यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्या है क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इसके एसिडिक ऑर्डर ज्यादा है। तो इसको क्या बोला था, डीएनपी रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस रूल से। ठीक है, डीएनपी रूल। तो हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से उठा के लाया हूँ एक क्वेश्चन। देखो ClCH2 इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, FCH2CH2COH FFCH2COH CH3CH CLCH। ठीक है, ये चार हो गए, A B C और D। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, कि चारों में किसकी एसिडिटी ऑर्डर ज्यादा होगी और कम हो। ठीक है, तो यही रूल को अप्लाई करो। सबसे पहले देखते हैं ना डिस्टेंस, कौन सीएच ग्रुप के सबसे क्लोज है। ठीक है, कौन है ये क्लोरीन सबसे पहले जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी। उसके बाद देखो ये एक दो ये भी एक दो। ठीक है, दूसरे दूसरे कार्बन पे है, बाकी तीनों ग्रुप का क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगले नंबर में क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे। तो यहाँ केवल एक फ्लोरीन है, यहाँ दो फ्लोरीन, यहाँ दो, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे कम कौन हो जाएगा, बी। अब इन दोनों कंपेयर करना है ए और सी का, क्योंकि इनमें दोनों में नंबर भी सेम आ गया, नंबर सेम आ गया। तो लास्ट में क्या देखेंगे, पावर। तो पावर में देखो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो बता किसके इलेक्ट्रॉनिक पावर ज्यादा होती है, फ्लोरीन वाले का, तो कौन सा होगा, सी। उसके बाद कौन होगा, ए। तो ये इसका क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको मतलब क्वेश्चन थोड़े से लेवल का पूछा जाता है, तो इसको पता रहना पड़ेगा, और ये रूल अप्लाई करके भी आप इस इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये तो एसिडिटी इफेक्ट था। ठीक है, इसके अलावा भी इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ज्यादा, जैसे मैं बताया स्टेबिलिटी, बोन ऑर्डर, डाकुल मूवमेंट सब में भी इफेक्ट पड़ता है, उसको हम दूसरे क्लास में देखेंगे, आज इतने ही देखते हैं एसिडिटी के इफेक्ट ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ एसिडिटी से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन को आप मेरे को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको एसिडिटी ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है CH 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 NO2 CH2 CH2 CH NR3 plus CH3 CH 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 CL COH। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये चारों को आप अरेंज करना ए बी सी डी के ऑर्डर में, कौन सबसे ज्यादा मतलब एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, ये हो गया फॉर्मल एसिड, हो गया फिनोल, हो गया वाटर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतने ही, ठीक है, थैंक यू।